हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन से नई रिक्रूटमेंट आई है और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, सैनिक स्कूल हो, इसके अलावा नवोदय विद्यालय संगठन हो, मार्च अप्रैल के महीने में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भरपूर आती है। अपने आसपास के स्कूल के वेबसाइट को विजिट करते रहें। अगर आप विजिट नहीं कर सकते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। बाय द वे, KBS 2024 में जो भी रिक्रूटमेंट आई है उसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी है। जाकर लेटेस्ट वाले वीडियोस को चेकआउट कर ले, देख ले। जहां से भी रिक्रूटमेंट आई है उसकी सूचना आपको वहां से मिल जाएगी। PRT, TGT, PGT के लिए रिक्रूटमेंट आई है और डेट इसकी बहुत कम रखी गई है। 18 मार्च को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए सीधे PDF की ओर चलता हूँ। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगहों पे दे रखा है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक सूचना दे देना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो अपलोड करी है, उसे भी जाकर आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं PGT के लिए। तो PGT के लिए जो सब्जेक्ट है आपका वो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस। इतने ही पदों के लिए जो वैकेंसी आई है PGT में, और सैलरी आपको ये 32,500 रुपये पर मंथ देंगे। आगे देखिए TGT की अगर मैं बात करूँ तो TGT के लिए 50% क्वालिफिकेशन चाहिए होगा कंसर्निंग सब्जेक्ट में। एग्रीगेट भी आपका 50% होना चाहिए। अब देखो TGT में संस्कृत और इंग्लिश की रिक्रूटमेंट है। TGT में सोशल स्टडीज या फिर आप इसे सोशल साइंस बोलो, SST बोलो, इसके लिए देखिए दो सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में दो सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। याद रखिएगा, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी, एक तो होना जरूरी है ही। TGT मैथ्स की रिक्रूटमेंट आई है, इसके लिए आपके पास मैथ्स के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपने पढ़ाई की है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री, मैथ वाले बच्चे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पढ़ा है या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या स्टैटिक्स पढ़ा है तो भी आपका काम बन जाएगा। TGT साइंस के लिए देखिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो है पढ़ना जरूरी है। CTET का पेपर 2 होना जरूरी है। TGT वाले पोस्ट के लिए 31,250 रुपये आपको यहाँ पे दिया जाएगा। PRT की अगर मैं बात करूँ तो PRT में देखो दो तीन बातें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। जिन लोगों ने JBT, DLED, BTC कर रखा है और +2 के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 26,250 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। PRT में म्यूजिक टीचर की भी रिक्रूटमेंट है, इसके लिए भी आपको 26,250 रुपये दिया जाएगा। अगर आपने म्यूजिक से ग्रेजुएशन करी है यू कैन अप्लाई हियर। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन BE या फिर BTEC रखा गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे बताई गई है 31,250 रुपये। योगा टीचर की भी रिक्रूटमेंट है, 26,250 रुपये आपको मिलेंगे। स्पोर्ट्स कोच की बात करूँ तो यहाँ पे 26,250 रुपये आपको मिलेगा। BPED अगर आपने कर रखा है तो काम आपका बन जाएगा। काउंसलर की भी रिक्रूटमेंट है, BA BSc जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। 31,250 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर की, तो क्वालिफिकेशन 12th पास या फिर DLED अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर होगी बातें। आगे देखिए 26,250 रुपये मिलेगा। नर्स के लिए 750 रुपये पर डे, और जो नॉलेज वगैरह कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना, ये हर जगह की एक ही डिमांड है। रजिस्ट्रेशन वॉक इन इंटरव्यू करने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से करना होगा। देखिए लास्ट डेट ऑनलाइन करने के लिए आपको जो है 17 मार्च 2024 को क्या करना है, यहाँ पे एक लिंक दिया गया होगा, देखो इस लिंक पे या फिर इस QR को आपको स्कैन करना है और अप्लाई कर लीजिए 17 तारीख से पहले। 18 को आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा स्कूल में पहुंचकर। अब देखिए ये वैकेंसी कहाँ से आई है वो बता देता हूँ। केंद्रीय विद्यालय उखरुल से वैकेंसी आई है। उखरुल कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो जो लोग भी मणिपुर या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो जाकर अप्लाई कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहेली, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। जो लोग भी टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप चलाते हैं तो वो इस वीडियो को वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।